हेलो गाइस, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। फाइनली गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है उन बच्चों के लिए जो अभी बीएड में एडमिशन लेने सोच रहे हैं। आज हम आपको बहुत ऐसी कुछ खास बातें बताएंगे जिससे आपका बहुत पैसा भी बचने वाला है। अगर आप बीएड करने जा रहे हैं इस सत्र में तो आपका पैसा अच्छा खासा बच सकता है अगर ये वीडियो आप पूरा वॉच करते हैं तो। मतलब कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए बहुत खास वीडियो है, तो आपको बिल्कुल इस वीडियो को स्किप नहीं करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के सारे अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें, हर पल के अपडेट्स मिलें, क्लासेस, नोट्स और भी सारी चीज़ें आपको मिलती रहें, तो बेशक आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सारे अपडेट टाइमली मिलते रहेंगे। अब चलिए गाइस, बात कर लेते हैं कि आज का अपडेट क्या है। अगर हम आज के अपडेट की बात करें तो आप सभी को बता दें, अभी तक जो एडमिशन्स हुए हैं उसमें आपका फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड काउंसलिंग से अभी सीटें भरी गई हैं। 2,00,000 यहाँ पर हमारे यहाँ सीटें हैं यूपी की, ठीक है। और जिसमें अभी जो सीटें भरी हैं 14,700-800 के पास सीटें भरी हैं। एग्जैक्ट डाटा मैं आपको नहीं बता पा रहा हूं अभी, तो इतनी सीटें हैं और 14,000 मतलब कहाँ 2,00,000 something 25-30,000 लगभग के आसपास आपकी सीटें हैं और आप जो है 14,700 सीटें भर पाए हैं। मतलब सीटें भरी ही नहीं हैं, मतलब फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में काउंसलिंग थ्रू ज़्यादा एडमिशन हुए ही नहीं बीएड में। तो गाइस, सीटें तो बहुत खाली हैं। बहुत सारे कॉलेज हैं यूपी में, कॉलेजों की कमी नहीं है, बहुत कॉलेज हैं और सीटें बहुत खाली हैं। अब सीटें खाली हैं और अगर आप अपना एडमिशन लेना चाह रहे हैं और किसी एजेंट के चक्कर में फंस रहे हैं तो आप डेफिनेटली ज़्यादा पैसा देंगे। किसी एजेंट के थ्रू आप एडमिशन लेते हैं तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट एडमिशन में वो आपका कमीशन भी उसमें लेता है। तो बेटर है कि आप कॉलेज विजिट करो, क्योंकि कॉलेज बहुत सारे हैं। अब आप कॉलेज विजिट करोगे तो वहाँ पर आपका बहुत ही कम पैसे में एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कॉलेज नहीं जाएगा चाहेगा कि उसकी सीटें खाली जाएं। कॉलेज की सीटें नहीं खाली जाएंगी तो आपके एडमिशन वहाँ पर कम पैसे में हो जाएंगे। बस ज़रूरत है तो आपको किसी एजेंट से ना मिलने की, आप खुद से जाकर एडमिशन लें। एजेंट से मिलने से क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं एक तरह से शिकार बन जाते हैं। मैं भी पहले एडमिशन कराता था, कुछ एजेंटों के थ्रू एडमिशन कराता था। बहुत सारे बच्चों का फीस जिनका 60,000 बताया जाता था, 1-1,00,000 रुपए उनसे फीस वसूल लिया गया बच्चों। तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि किसी एजेंट या किसी दलाल के थ्रू आप एडमिशन लें। कॉलेज ओपन है, सारे कॉलेज खुले रहते हैं, तो आप कॉलेज में जाके सीधा सीधा एडमिशन लें। किसी एजेंट के थ्रू एडमिशन लेने का क्या मतलब है, आपको भी पता है कि अगर एजेंट के थ्रू एडमिशन लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ें देनी पड़ती है। अब कॉलेज विजिट करोगे तो कॉलेज में आपका एडमिशन इजली हो जाएगा। डायरेक्ट एडमिशन आपका भी पूल काउंसलिंग थ्रू एडमिशन हो रहे हैं और डायरेक्ट एडमिशन की जो डेट है वो 20 सितंबर से लेकर 28 सितंबर आपकी लास्ट डेट है। तो 20 से 28 के बीच में कभी भी जाके आप अपना वहां पर एडमिशन ले सकते हैं और ये आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि इस बार सीटें जो है कम है, बहुत कम भरी गई हैं, बहुत सारी सीटें खाली हैं। तो आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना कम पैसे में बीएड कर सकते हैं आप जाके, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन एक ऐसा एडमिशन होता है जहां पर आपको डीडी नहीं लगानी पड़ती है। कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉलेज कितना फी चार्ज करता है। अब बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, कॉलेज कभी नहीं चाहेगा कि उसकी सीटें खाली जाएं, कोई भी कॉलेज नहीं चाहेगा। अभी बहुत सारे लोग हमारे दोस्त ऐसे हैं जो बीएड में एडमिशन का काम करते हैं, लगभग लोगों को मैं जानता हूँ, कुछ लोगों के साथ मैं काम भी कर चुका हूँ लेकिन अब नहीं करता हूँ क्योंकि उन लोगों ने बच्चों के साथ गलत किया। सीधी सी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैंने उन लोगों के साथ काम करना बंद कर दिया। तो अभी क्या हुआ कि मैंने एडमिशन का ही काम बंद कर दिया कि मुझे एडमिशन कराना ही नहीं, किसी बच्चे के साथ गलत नहीं होना चाहिए। मैं बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आप जाओ इस तरीके से अपना एडमिशन करा लो। अब कुछ लोग स्टेटस लगा रहे हैं कि इस बार आपका एडमिशन मैं सिर्फ स्कॉलरशिप पर ही करवा दूंगा, नो फीस का टेंशन, किसी फीस का टेंशन नहीं, यानी आप अपना बीएड फ्री में कर सकते हैं इस बार, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं। तो गाइज, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो अब जो है अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप बिल्कुल बिंदास जाके अपना एडमिशन ले लीजिए, डिले ना करें, डिले करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपना 20 से 28 के बीच में अपना एडमिशन होगा, उसमें एडमिशन ले लीजिएगा। और किसी भी टॉपिक में वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे जरूर इन्फॉर्म करें, हम आपको उस टॉपिक के वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके कमेंट को रीड करते हैं, सारे कमेंटों को रिप्लाई नहीं कर पाते हैं लेकिन हाँ, रीड करके हम उसके ऊपर वीडियो जरूर शूट करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू, जय हिंद।